ध्यान से सुनना, क्या होता है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में, अच्छा सबसे पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ, हमने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट में तीन तरीके की कॉस्ट होती है, एक चार तरीके की सॉरी कॉस्ट पढ़ी थी। अभी मैं उसमें से सिर्फ दो तरीके की कॉस्ट बता रही हूँ, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। कैसा कुछ पढ़ा था हमने, रिप्लाई करते चलना, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? क्या आउटपुट के चेंज होने से चेंज होती है? जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज होती है, जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ती है, प्रोडक्शन के घटने से घटती है। विचार वेरिएबल विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, क्या उसका डायग्राम ये था, वेरिएबल विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, विचार वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और एक पढ़ी थी हमने फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होती है बोलो। ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन विच आर कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच आर कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने तुम लोगों को हमारा एग्जाम्पल बताया था, हमारे लिए रेंट वेरिएबल है कि फिक्स है, जल्दी बताओ। रेंट वेरिएबल है, फिक्स है? फिक्स है। स्टाफ की सैलरी, फिक्स। स्टाफ की सैलरी भी क्या है, फिक्स है। आया बच्चा समझ? ठीक है। फैकल्टी का पेमेंट, फैकल्टी फिक्स है, फैकल्टी पर स्टूडेंट लेती है। स्टूडेंट बढ़ेंगे तो उनका पेमेंट बढ़ेगा, स्टूडेंट घटेंगे तो उनका पेमेंट क्या होगा, घटेगा। फैकल्टी पर स्टूडेंट लेती है, जैसे सपोज मैं पर स्टूडेंट 10,000 लेती हूँ, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो मेरा पेमेंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट घटेंगे तो मेरा पेमेंट क्या होगा, मेरा पेमेंट क्या होगा, घटेगा। तो फैकल्टी का पेमेंट क्या है, फिक्स है कि वेरिएबल है बोलो? वेरिएबल। हम आपको टी शर्ट देते हैं, एक टी शर्ट आती है 1,000 रुपए की, एक टी शर्ट आती है 1,000 रुपए की, तो बताओ वो जो टी शर्ट की कॉस्ट है वेरिएबल है फिक्स है बोलो? वेरिएबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने बढ़ेंगे टी शर्ट की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। तो बेटा देखो, हर एंटिटी में दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मींस द कॉस्ट व्हिच आर वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एंड फिक्स कॉस्ट मींस द कॉस्ट व्हिच आर कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ, क्या होगा, कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इतनी बात क्लियर हुई? वैसे ही एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, अब तुम लोग बताते चलो रॉ मटेरियल क्या है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, वेरिएबल है। गुड, उसके लिए रॉ मटेरियल वेरिएबल है। रेंट, रेंट फिक्स्ड है, रेंट फिक्स्ड है। लेबर, लेबर वेरिएबल। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी फिक्स है, ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी फिक्स है। अब ध्यान देना बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। तो भाई साहब ये वाली कॉस्ट, रॉ मटेरियल वेरिएबल है, रेंट फिक्स है, लेबर वेरिएबल है, सुपरवाइजर सैलरी क्या है, फिक्स है। अब ध्यान से सुनना, अब हम पढ़ेंगे कुछ नहीं है, फ्लेक्सिबल बजट बस इनसे ही बना हुआ है, हम बनाएंगे फ्लेक्सिबल बजट। ठीक, हम लोग क्या बनाएंगे, फ्लेक्सिबल क्या बनाएंगे, बजट। ध्यान से सुनना, क्या होता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट ये होता है, पहले हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा कितना प्रोडक्शन होगा। अनुमान है, अनुमान है यानी एग्जैक्टली परफेक्ट तो नहीं बैठेगा। जैसे एक एंटिटी ने अनुमान लगाया कि उसकी मार्केट, पहले हम लोग कौन सा बजट बनाते हैं, फंक्शन बजट बनाते हैं ना। फंक्शन बजट में क्या होता है, फंक्शन बजट में सबसे पहले फोरकास्ट क्या करते हो, सेल फोरकास्ट करते हो, सेल फोरकास्ट करते हो, सेल फोरकास्ट करते हो, यानी आप अपनी क्या फोरकास्ट करते हो, डिमांड, डिमांड फोरकास्ट करते हो कि भाई साहब हमारा इतनी मार्केट में डिमांड इतनी होगी। सपोज मार्केट में 80,000 की डिमांड होगी,
तो इस डिमांड के बेस पे आप लोग फिर क्या बनाते हो, डिमांड के बाद क्या बनाते हो? इस 80,000 के बेस प्रोडक्शन क्या बनाते हो? प्रोडक्शन बजट। फिर प्रोडक्शन के बेस पे क्या बनाते हो? मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाते हो। मटेरियल कंजम्पशन के बेस पे फिर क्या बनाते हो? रॉ मटेरियल परचेज बजट। समझ आ रहा है ना? ठीक, रॉ मटेरियल क्या करते हो भैया? रॉ मटेरियल परचेज बजट। आ रहा है बेटा बच्चा समझ में? ठीक है, रॉ मटेरियल क्या करते हो? परचेज बजट बनाते हो। उसके बाद परचेज बजट बनाते हो, परचेज बजट के बाद लेबर बजट बनाते हो। इतनी बात क्लियर हो रही है ना बच्चा? हो रही है, नहीं हो रही? अब सुनो ध्यान से। अब होता क्या है, फ्लेक्सिबल बजट में अगर डिमांड, देख बेटा इधर ध्यान से सुनना, डिमांड अगर 80,000 से, डिमांड अगर 80,000 से सपोज 90,000 जा पहुंची, तो आपका बजट बहुत ज्यादा हिल जाएगा कि थोड़ा थोड़ा हिलेगा? बोलो ना, थोड़ा थोड़ा हिलेगा। और अगर आपकी डिमांड 80,000 से 1,00,000 पहुंची तो थोड़ा और हिल जाएगा। तो फ्लेक्सिबल बजट में हम ये बनाते हैं कि बाय चांस हमारी फोरकास्टिंग थोड़ी सी गड़बड़ा गई तो हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहे, कितना ज्यादा खर्चा होगा या कितना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग फंक्शन बजट के साथ एक फ्लेक्सिबल बजट भी बना के रखते हैं कि अगर मेरी डिमांड 80,000 हुई तो मेरे इतने इतने खर्चे होंगे, अगर मेरी डिमांड, ध्यान से सुनना, अगर मेरी डिमांड 90,000 हुई तो मेरे इतने इतने खर्चे होंगे, अगर मेरी डिमांड 1,00,000 हुई तो इतने इतने खर्चे होंगे। फिर तो बोलोगे मैडम इसका तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 2 की जगह 3 भी। बेटा सोच आप अपनी प्रैक्टिकल रखोगे, मैक्स टू मैक्स हमारे पास, मैक्स टू मैक्स कभी भी जिंदगी में ग्राहक 1,20,000 यूनिट से ऊपर नहीं है, तो आप उतने तक का बजट बना सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपके, चलो सो अगर आपके कस्टमर्स बहुत ज्यादा आएंगे, सपोज 2,00,000 आएंगे, लेकिन अगर आपके प्लांट की कैपेसिटी ही 1,00,000 यूनिट बनाने तक है, तो क्या आप 2,00,000 तक के कस्टमर एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं ना, नहीं करोगे ना, 1,00,000 तक ही काम करोगे ना। तो बेटा फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है कि अगर मेरी डिमांड कम आई तो मेरे खर्चे कितने होंगे, अगर मेरी डिमांड ज्यादा आई तो मेरे खर्चे कितने होंगे। इसके लिए रियल बनाया जाता है कि अनुमान लगाया जाता है? रियल बना, अनुमान लगाया जाता है। अब सुनो ध्यान से सुनना, मैंने अनुमान लगाया, बच्चा इधर ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन में दिया था कि अगर आपकी डिमांड 80,000 होगी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी डिमांड 80,000 होगी तो आपका रॉ मटेरियल जो लगेगा ना, आपका जो रॉ मटेरियल लगेगा वो 8,00,000 लगेगा। ठीक है, आया समझ? रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 8,00,000 लगेगा। ये आपको कहां गिवन है? क्वेश्चन में। ये आपको कहां गिवन है? क्वेश्चन में। इसके बाद आपका जो लेबर लगेगा ना, वो लेबर लगेगा 4,00,000 रुपए का, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जो आपके ओवरहेड लगेंगे ना भैया जी, ये ओवरहेड लगेंगे 2,00,000 रुपए के, ये ओवरहेड लगेंगे 2,00,000 रुपए के। और ये वाले जो ओवरहेड है ना भाई, ये वाले जो ओवरहेड है ना भाई साहब, क्या है वो? फिक्स्ड है। ये वाले जो ओवरहेड है ना, क्या है वो? बोलो, ये वाले जो ओवरहेड है ना, ये क्या है हमारे? फिक्स्ड है। ठीक है, इसके बाद वो बोल रहा है एक और ओवरहेड लगेंगे जो कि लगेंगे 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। 2 रुपए क्या लगेंगे? पर यूनिट के हिसाब से। तो बताओ 80,000 यूनिट बनाने में कितने लगेंगे, जल्दी बताओ? ओ, 2 रुपए लगेंगे, 1,60,000 लगेंगे। चलो ये कहानी हुई। अब वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट इफ द प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज अप टू 90,000 एंड इफ द प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज अप टू 1,00,000। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चा? बोलो क्लियर हो रही है? अब सुनो एक बात बताओ, ये आपसे ये दोनों ये सारी चीजें मिसिंग पूछ रहा है, अब कैसे करें?
रॉ मटेरियल वेरिएबल है कि फिक्स है? रॉ मटेरियल वेरिएबल है कि फिक्स है? वेरिएबल है। कितना रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है बच्चा, कुछ बता? हाँ गुड, रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना आ रहा है? 10 रुपए। ठीक है, कितना आ रहा है? 10 रुपए। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, निकाल लिया। ठीक है, कितना आएगा? 90,000 यूनिट बनाओगे तो कितना आएगा? और 1 लाख यूनिट बनाओगे तो कितना आएगा? 10 लाख। हाँ, लेबर पर यूनिट कितना है बच्चों, बोलो ना, लेबर पर यूनिट कितना है? 5 रुपए। लेबर पर यूनिट कितना है? 5 रुपए। ठीक है, हाँ 5 रुपए। हाँ, 90,000 यूनिट बनाओगे तो कितना लगेगा? 4.5 लाख। 1 लाख यूनिट बनाओगे तो कितना लगेगा? 5 लाख। ओवरहेड पर यूनिट कितने हैं? ओवरहेड पर यूनिट कितने हैं? फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कितने हैं? फिक्स्ड ही रहेंगे। वेरी गुड। क्या प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ बढ़ेंगे? नहीं, प्रोडक्शन के घटने के साथ घटेंगे? नहीं। ये वाले ओवरहेड फिक्स हैं कि वेरिएबल हैं? वेरिएबल है। प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ बढ़ेंगे कितने? 1 लाख 80,000। और कितने? 2 लाख। गुड, समझा? तो बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। करो प्रॉफिट, नहीं सॉरी, प्रॉफिट नहीं आएगा, टोटल कॉस्ट आएगी। रीजन में हाँ, नहीं नहीं बेटा, सेल पर नहीं दी ना, ओनली डिमांड दी है ना बच्चा, सेल नहीं दी है, ये डिमांड दी है। डिमांड पे केवल मेरी क्या आएगी बच्चा? टोटल कॉस्ट आएगी, है ना? प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास सेल है ही नहीं, तो मैं टोटल कॉस्ट बताओ। टोटल करो, टोटल कॉस्ट लास्ट वाले की कितनी है? हाँ ठीक है, हाँ ओके। लास्ट वाले की 20 लाख, फर्स्ट वाले की 15,60,000। सोलह लाख लास्ट वाले के 19 लाख है। अच्छा लास्ट वाले की 19 लाख है, ठीक है। लास्ट वाले की 19 लाख है, आगे बोलो। और इसकी कितनी है सेकंड वाले की? इतनी बात क्लियर हुई? दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है हमारा? फ्लेक्सिबल बजट। ये क्या कहलाता है हमारा? फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में इंडस्ट्री आपसे पूछती है कि भाई इमरजेंसी के कारण अगर डिमांड कम हो गई तो बताओ मेरी कॉस्ट कितनी आई। अगर कुछ ऐसे अच्छी बात हो गई, मतलब डिमांड अगर बढ़ गई तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? मतलब आप पहले से ही हर चीज के लिए क्या रहते हो? रेडी रहते हो। क्लियर हुई? बोलो क्लियर हुआ, हाँ या ना? समझ आया कहानी? ठीक, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? फ्लेक्सिबल बजट। चलो बनाते हैं, आप फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन करते हैं। ये तो उन्होंने पहले से प्रोडक्शन बजट समझ आ गया ना? ओ सॉरी, फंक्शन बजट समझ आ गया ना? फंक्शन बजट में कौन कौन से बजट आते हैं? जल्दी रिप्लाई करो।
हाँ, और लेबर बजट क्यों नहीं मैं इलस्ट्रेशन 4 किया है क्या? नहीं किया होगा, ये प्रोडक्शन बजट है, मुझे ही करवाना पड़ेगा कल। 5 तो हो गया ना, 5 तो हो गया ना, ICB 08 और ICB ये 5 पूरा हो गया बेटा। अभी मेरे दिमाग से करते हो, घर पे नहीं करोगे बड़ी दिक्कत होगी। ये फ्लेक्सिबल बजट के बेस पर एक बेसिक बजट बनता है मास्टर बजट, वो भी सिखाऊंगी क्या होता है मास्टर बजट बनता है। चलो बच्चा आओ इधर देख, देखो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 पी लिमिटेड हैविंग अ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 पी लिमिटेड प्रोड्यूस 60,000 यूनिट ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी लेवल। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी। अभी कंपनी कितनी कैपेसिटी पे काम कर रही है? 50%। ऐसे समझो, देखो बेटा ध्यान से सुनना, हमारा क्लासरूम बहुत बड़ा है, ध्यान देना। उसमें अभी हमारा क्लासरूम बहुत बड़ा है, उसमें अभी मात्र 40 बच्चे बैठे, मात्र 40 बच्चे बैठे, और वो कैपेसिटी कितनी परसेंट कैपेसिटी को फिल करके बैठा है? सपोज 60% कैपेसिटी को फिल करके बैठा है। कितनी परसेंट कैपेसिटी को फिल करके बैठा है? 60% कैपेसिटी को फिल करके बैठा है। बताओ क्लासरूम की मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी कितनी है? बताओ क्लासरूम की मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी कितनी है? बोलो ना, अरे बोलो। हमारा क्लासरूम बड़ा है, हमारे क्लासरूम में 40 बच्चे बैठे हैं, और वो अपनी क्लासरूम अपनी 60% कैपेसिटी को कवर करके बैठा है। हमारे क्लासरूम में मैक्स टू मैक्स कितने बच्चे आ सकते हैं? बोलो। 67 बच्चे। 67 बच्चे कैसे निकाला? 67। देखो बेटा बच्चों सुनो, मेरे क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे हैं? 40। वो कितनी कैपेसिटी को घेरे हुए हैं? 60% को। वो कितनी कैपेसिटी को घेरे हुए? 60% को। तो क्लासरूम में कैपेसिटी कितनी है? 67 बच्चों की। ऐसे ही निकाला? ऐसे ही है ना। चलो, ये बंदा बोल रहा है हम लोग अभी अपनी कैपेसिटी का 50% पे काम कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं 60,000 यूनिट्स, तो बता सकते हो कंपनी की 100% कैपेसिटी कितनी है? 1,20,000। 1,00,000 क्या है? 20,000। आया बच्चा समझ? बोलो समझ आ रहा है? सुनो अब ध्यान से, इधर देखना, ध्यान से सुनना। द कॉस्ट स्ट्रक्चर एट द 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी आर एस अंडर, इधर ध्यान देना। मटेरियल 300 रुपए पर यूनिट, वेजेस 100 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 100 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस 60 रुपए पर यूनिट, फिक्स एक्सपेंसेस 80 रुपए पर यूनिट है, जिसमें से 25% अभी फिक्स है, यानी वेरिएबल पोर्शन कितना है? 25% फिक्स है, यानी वेरिएबल पोर्शन कितना है? जल्दी बोलो बच्चा, वेरिएबल पोर्शन कितना है? 75%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 40 पर यूनिट है, 80% वेरिएबल है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 100% फिक्स है। द कंपनी एंटीसिपेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, कंपनी एंटीसिपेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर क्या है? 22-23
द वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 20%। वेरिएबल कॉस्ट वो चाहती है कितना होगा बोलो, वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 20% एंड फिक्स कॉस्ट विल बी गो अप बाय 15%। वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ जाएगी एंड फिक्स कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ जाएगी बच्चा? फ्यूचर में 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट, ये डाटा कब का है? ये डाटा 21-22 का है। 22-23 में वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ेगी और फिक्स कॉस्ट 15% से बढ़ेगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 10% अप टू 880। सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगी 10% से, अब जो बढ़कर कितनी आएगी 880। कैलकुलेट द बजट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। कैलकुलेट प्रिपेयर एक्सपेंसेस बजट ऑन द मार्जिनल कॉस्ट बेसिस ऑन 22-23 इफ द कंपनी ऑपरेट 50% एंड 60% ऑफ कैपेसिटी। फाइंड आउट द प्रॉफिट एट रिस्पेक्टिव लेवल। क्लियर करें सबसे पहले क्या करें, ये क्वेश्चन अपने मार्जिनल में भी करें, ये क्वेश्चन हमने प्योर मार्जिनल में भी करे हैं, करें बोलो। पहले मुझे क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है मेरे को। पहले कौन से ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है? फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी कितने परसेंट की कैपेसिटी पे काम करेगी बोलो ना, कंपनी कितनी यूनिट्स कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम करेगी? 50% नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितनी होगी? 60,000। और कहना है मैं कॉस्ट में इन्फ्लेशन कब आ रहा है, 21-22 में कि 22-23 में? 22-23 में। तो अभी तो अपन ओरिजिनल कॉस्ट पे चलेंगे अपन। अब एक बात बताओ, सेल बच्चा इधर ध्यान देना, सेल 880 रुपए है, कब है? इन्फ्लेशन के बाद कि इन्फ्लेशन से पहले? तो इन हम अभी काम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के पहले कि इन्फ्लेशन के बाद? इन्फ्लेशन के पहले। तो 880 रुपए पर, 880 रुपए किसको डिनोट कर रहा है? 880 रुपए किसको डिनोट कर रहा है? 110 को कि 100 को? 110 को। तो ओरिजिनल सेल कितने की होगी? 880 डिवाइडेड बाय 110 करो। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 880 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 100 करो। 800 गुड। सेल कितनी होगी बच्चे? 60,000 इनटू 800 कितना हो जाएगा? 48,00,000 आया ना। Yes, अब लेस क्या करोगे बच्चा, लेस क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले इधर देखो, मटेरियल, मटेरियल पर यूनिट कितना है जल्दी बताओ? ये इन्फ्लेशन से पहले कि इन्फ्लेशन के बाद है ये वाली कॉस्ट? पहले की, ये इन्फ्लेशन के पहले की कॉस्ट है। मटेरियल 300। आगे बढ़ लो, लेबर कितना है? लेबर कितना है? 100 रुपए। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? 100 रुपए। अब ध्यान देना बच्चा, ध्यान से सुनना, इधर देखो मेरे मेरी तरफ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वेरिएबल है, खाना है कि नहीं है? कितना? 60। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वेरिएबल है, 60 रुपीज। इधर देखता बेटा बच्चों, फिक्स एक्सपेंसेस वेरिएबल है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वेरिएबल है। मैम वो सेल्स की कॉस्ट पर फर्स्ट ईयर के लिए 4,80,000। अच्छा 4,80,000 है, अब सही है? अच्छा अब एक बात बताओ, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस बताओ वेरिएबल है फिक्स है? फैक्ट्री एक्सपेंस वेरिएबल है फिक्स है? 25% वेरिएबल है ना, है ना? हाँ 25% फिक्स है और 75% वेरिएबल है ना? यानी कितने वेरिएबल है? 60 रुपए वेरिएबल। वेरी गुड। फैक्ट्री एक्सपेंसेस अब लगे हाथ में, यहाँ पे वो भी करती हूँ। फैक्ट्री एक्सपेंस कितने वेरिएबल है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने वेरिएबल है? कितना?
60 वेरिएबल है गुड बच्चा फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60 रुपीस क्या है वेरिएबल है मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे फिक्स भी लिख देती हूँ फिक्स भी लिख सकती हूँ बता सकते हो फिक्स क्या पर यूनिट होता है कि फिक्स टोटलिटी में होता है टोटलिटी में होता है हाँ बताना फिक्स कितना है 20 रुपए फिक्स 20 रुपए है हाँ कितने 20 रुपए किस पर बीस रुपए है ना फिक्स हाँ 20 रुपए इंटू हाँ 20 रुपए इंटू 60,000 करना 20 रुपए इंटू 60,000 120,000 आ रहा है समझ 12 लाख है ना चलो अब सुन फैक्ट्री के बाद क्या आएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हाँ कितना 80% वेरिएबल है यानी 32 रुपए वेरिएबल है ना 32 रुपीस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अरे पहले तो इसका फिक्स भी तो लो पहले इसका फिक्स भी लो ना फिर भूल जाओगे किसका फिक्स लेना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे फिक्स कितना है 40,000 का 8 रुपए 8 रुपए इंटू 60,000 ये समझ आया ना 8 रुपए इंटू कितना है 4 लाख 80,000 ठीक है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पूरे फिक्स्ड हैं कितने फिक्स है आया 12 लाख क्या है फिक्स है समझ आ रही है कहानी ठीक चलो फटाफट अब करो वेरिएबल जल्दी करो कर रहे वेरिएबल मटेरियल कितने 1,80,00,000 लेबर 6 लाख 60 लाख चलो करोड़ तो नहीं है ना 36 लाख हाँ फिर नहीं वेरिएबल और रेट कितने हैं 60 लाख ये मटेरियल 18 लाख लेबर 60 लाख वेरिएबल और रेट भी 60 है ना डायरेक्ट एक्सपेंस 36 लाख फैक्ट्री और रेट भी 36 लाख सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 19,20,000 जीरो बिल्कुल ध्यान से रखना भाई 19,20,000 हाँ ये क्या कहलाएगा बच्चा हमारा हाँ कितना है कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों
करो ना। वेरिएबल कॉस्ट है भाई, कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं, 88 लाख, 88 लाख 80,000, ठीक ठीक है। माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट, करोगे फिक्स कॉस्ट माइनस, करो फिक्स कॉस्ट माइनस, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। हाँ करो, कितना आ रहा है प्रॉफिट? साठ लाख। साठ लाख का प्रॉफिट है। ये तो मेरा कौन सा बजट बन गया? ओरिजिनल। इतना इतना लिखना है क्या कि हो गया तो मैं आगे बढ़ूं? ये तो मेरा ओरिजिनल हो गया। चलो अब सुनो, अब वो बोल रहा है कि एक्सपेंसेस बजट बनाओ 50% और 60 लेवल पे, पहले तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। सुनना आप ध्यान से बच्चों, सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ केवल, क्या बनाना है? प्रॉफिट, प्रॉफिट भी शो करना है क्या? हाँ, फाइंड आउट द प्रॉफिट भी करना है, तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रियल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओगे कि फॉरकास्टिंग प्रॉफिट बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओगे कि स्टेटमेंट ऑफ फॉरकास्टिंग? अनुमान लगा रहे हैं ना कि भैया फ्यूचर में क्या कंडीशन आएगी हमारी, तो स्टेटमेंट ऑफ फॉरकास्टिंग प्रॉफिट कौन सी लेवल पे बनाना है बच्चों? कौन से लेवल पे बनाना है? 50,000। ओए क्या खा रहा है तू? पढ़ रहा है कि खाना खा रहा है? क्लास में तो नहीं रखते। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ क्या आएगा बच्चा? नहीं सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ फॉरकास्टिंग प्रॉफिट ना। स्टेटमेंट ऑफ फॉरकास्टिंग प्रॉफिट बनाना है हमें। सबसे पहले जब आप स्टेटमेंट ऑफ फॉरकास्टिंग प्रॉफिट बनाओगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है बच्चों? बोलो, यूनिट्स सोल्ड। सुनो, यहाँ आएगी यूनिट सोल्ड। बोलो यूनिट सोल्ड कितना है? बोलो ना, यहाँ आएगा 50,000। 50 होगा ना बेटा? वो बना देखना, 50 और 60 दोनों पे बनाना है बेटा। देख इधर इधर, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, 50% और 60% पर है। 50% पर कितनी यूनिट्स बन रही है? 50 पर कितनी है? 60,000। तो अब मुझे कितने पे बनाना है? 50 के बाद 60% पे बनाना है, तो 60% पे कितना? 72,000। पक्का? समझ आया? 60,000 50 पे डिनोट कर रही है, तो 60 पे कितना? तो यहाँ तो ऐसा करो, यहाँ 60,000 50 पे, तो 100% कैपेसिटी 1,20,000। 1,20,000 का कितना परसेंट? 60%, 72 आया। सबसे अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या आएगा?
बोलो सबसे पहले क्या आएगा? सेल आया ना। अब फ्यूचर सेल कितनी है? 800 रुपए की 880 रुपए। 60,000 × 880 करो। 60,000 × 880 5 करोड़। 28 लाख। हाँ इधर करो। 5 करोड़ 28 लाख करो आगे। 6 करोड़ 37 लाख। आ रहा है समझ? सेल में से माइनस क्या करोगे बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा अब एक बात सुनो, मैं तुम्हें शॉर्टकट करा रही हूँ। तुम जब खुद एक बार आज प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें लॉन्ग कट कर देना। बता देती हूँ क्या, इधर एक बात सुन। फ्यूचर में वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? 20%। वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 20% बढ़ेगी कि यूनिट के हिसाब से भी बढ़ेगी? यूनिट के हिसाब से भी बढ़ेगी। गुड। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट के हिसाब से भी बढ़ेगी और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, टोटलिटी में भी 20% बढ़ेगी। अब इधर देखना कैसे करना है मैडम, इधर देखना। चलो मैं शॉर्टकट नहीं करा रही, लॉन्ग कट ही करा रही हूँ। सबसे पहले मटेरियल। बच्चों इधर देखो, मेरा मटेरियल कितना था जल्दी बताओ? मटेरियल पर यूनिट कितना था? 300। अब कितना होगा? मटेरियल पर यूनिट था 300, अब हो जाएगा 360। 300 का 20%। निशा आ रहा है समझ? 300 का 20% कितना होता है? 60। तो 360। गुड। अच्छा 360 क्या? ये तो प्रॉफिट है ना, सेल में से भी। हाँ प्रॉफिट ही तो है। हाँ है ना बच्चा खुशी। लेबर कितना देखो, पिछला लेबर, अरे यार पिछला कितना है लेबर? 100। अब 20% बढ़ेगा तो लेबर कितना? 120। ठीक है लेबर कितना? 120। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, 60,000 × 360, 60,000 × 120 ऐसे ही करोगे ना? ऐसे ही करोगे ना? Yes, चलो मैं इधर। अब मुझे आप तुम लोग एक बात बताओ, सुनो वेरिएबल ओवरहेड कितने? पहले 100 रुपए थे, अब कितने होंगे? 120 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंस 60 रुपए थे, अब कितने हो जाएंगे? 72। 60 का 20% बढ़ा दो, 72। फिर 60 का 20% बढ़ा दो, 72। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने हो जाएंगे? 38.4। सुनो क्लियर बोल रहा है भाई, वेरिएबल कॉस्ट 20% से बढ़ेगी। अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, 60,000 × 360, 120 × 60,000, 120 × 60,000, 72 × 60,000। इनफैक्ट अब सुनना, 360 × 72,000, 120 × 72,000, एक्सपेंसेस 72 × 72,000, फैक्ट्री एक्सपेंस 72 × 70,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 38.14। इतनी बात क्लियर हुई बच्चा? बोलो क्लियर हुई? अब सुनो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। माइनस क्या करोगे बोलो? माइनस क्या करोगे? अच्छा एक बात बताओ, एक काम करना, मटेरियल पहले निकालना। 60,000 × 360 कितना होगा?
60,000 इंटू 360 करना कितना होता है? 16 लाख। क्या? 2 करोड़ 16 लाख। क्या मैं यहाँ पे भी 2 करोड़ 16 लाख लिख दूं? क्या मैं यहाँ पे भी 2 करोड़ 16 लाख लिख दूं? नहीं। यहाँ कितना होगा? 2 करोड़ 59 लाख। गुड। 2 करोड़ 59 लाख 20,000। क्लियर? हाँ या ना? क्लैरिटी? नेक्स्ट। ऐसा करके नहीं, सुनो सुनो सुनो, अभी रुको तो तुम। अब आते हैं हम बच्चा किसकी तरफ? फिक्स कॉस्ट की तरफ। फिक्स कॉस्ट इधर देखना बेटा, फिक्स कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? 15% से बढ़ रही है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पुरानी फैक्ट्री के खर्चे कितने हैं? फैक्ट्री के खर्चे कितने हैं? 12 लाख। कितना होगा अब? कितना होगा फैक्ट्री के खर्चे? 12 लाख। अब कितना होगा? 12 लाख का कितना परसेंट बढ़ेगा? 15। 12 लाख का 15 करो, 13 लाख से जा। अब सुनो, 4,80,000 का 15%, 5,50,000। ओके, ये भी 12 लाख था ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की 1 करोड़ 20 लाख था, 12 लाख। हाँ, तो 13,80,000 और ये कितना? ये सही है ना, 5,52,000। अब एक बात बताओ बेटा, क्या ये भी पर यूनिट बनेंगे? नहीं। ये 8 रुपए × 72,000 होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा 8 रुपए × 72,000। समझ आ रहा है? ये तो एज इट इज आएंगे, पर मैडम ये तो 60,000 पे अपने 72,000। अरे भाई, हमने जो ओरिजिनल बजट बनाया था 60,000 पे, 60,000 के हिसाब से हमने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चार्ज कर दी थी, लेकिन इन फ्यूचर भी फिक्स कॉस्ट तो बढ़ेगी क्या? महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन यूनिट के हिसाब से बोलो नहीं बढ़ेगी, यूनिट के हिसाब से नहीं बढ़ेगी। समझे? समझ आया? ठीक, चलो करो। यूनिट के हिसाब से नहीं बढ़ेगी, बस कॉपी पेस्ट करना है ना। चलो अब तुम लोग एक काम करो, फटाफट से, 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से वेरिएबल कॉस्ट पूरी निकालो और प्रॉफिट निकालो, जल्दी से करो और पूरा करके मेरे को बताओ। हो गया? चलो सीधे प्रॉफिट पे कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरे को बच्चों? बोलो प्रॉफिट कितना है? और इसका 37,15,200। आया समझ बच्चों? समझ आया? दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। ये आपका बेटा क्या होगा? फ्लेक्सिबल क्या होगा? बजट। क्लियरिटी है? टफ है क्या? सिंपल सी बात है, फ्लेक्सिबल बजट में वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेशन के कारण भी चेंज होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स के कारण भी चेंज होती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होती है? सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण चेंज होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स के कारण चेंज नहीं होती। अगर आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिए तो वो पर यूनिट किस पे निकालोगे? ऑन रिवाइज बजट की ओरिजिनल बजट।
जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स कॉस्ट 8 रुपए दी थी, तो मैंने ओरिजिनल बजट पे निकाली कि रिवाइज बजट पे निकाली, जल्दी बताओ। देखो मैंने क्या किया, 60,000 × 8 कितना होता है, 60,000 × 8 4,80,000 का 15% का इन्फ्लेशन बढ़ा, 4,80,000 का 15% का इन्फ्लेशन बढ़ा, करो 4,80,000 का 15% का इन्फ्लेशन, 5,52,000 हुआ, 5,52,000 वही 60,000 पे होगा, वही 72,000 पे होगा। मैंने 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अपने ओरिजिनल बजट पे लिया, फिर उसमें इन्फ्लेशन किया, फिर वही कॉस्ट 72 की हुई, जबकि यहाँ अगर वेरिएबल थी तो पर यूनिट भी इन्फ्लेशन में बढ़ाया और टोटेलिटी में भी बढ़ाया। आया समझ? समझ आया? ये है सीए इंटर का मॉड्यूल, सीए इंटर कॉस्टिंग का एक्सरसाइज नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क दूं क्यों बच्चों? आने एक बात बताओ, 2 तो हो गया, 3 हो गया है ना, 3 तो कल तुम लोगों ने किया था ना, 4 क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, फ्लेक्सिबल बजट है, 4 होमवर्क है, फ्लेक्सिबल बजट है, 5 भी होमवर्क है, फ्लेक्सिबल बजट है, 5 होमवर्क है, फ्लेक्सिबल बजट है, 4 और 5 होमवर्क है, 8 तो अपन ने कर लिया था ना, ठीक है ना, ठीक। अब अभी रुक जाओ, अब हम पढ़ेंगे क्या, मास्टर बजट, क्या पढ़ेंगे, मास्टर बजट, ठीक है, मास्टर बजट, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मास्टर बजट, है ना।